चिकन को फ्राई करते समय तेल में मसाला ना निकले इसलिए किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में देखेंगे। आज बनाते हैं सिंपल सा चिकन फ्राई। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जीनत इन द किचन में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है और इसे अच्छे से धोकर इन टुकड़ों में कट करके लेग पीसेस पर भी अच्छी तरह कट लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले एक पूरे नींबू का रस डालते हैं और उसके बाद 3 से 4 चम्मच जितना गाढ़ा दही डालेंगे। ये रेसिपी खास करके उन फ्रेंड्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है जो अभी अभी नए से खाना बनाना सीख रहे हैं। अगर दही खट्टी हो तो थोड़ी सी कम डालिएगा। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा तीखा और चटपटा फ्राई करने के लिए 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, सफेद नमक और काला नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आप चिकन की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं तो मसाले भी थोड़े से ज्यादा डालिए। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 चम्मच। टेबल स्पून वाले चम्मच से डाला है मैंने, यानी कि छोटे चम्मच से, थोड़ा सा जो बड़ा वाला चम्मच होता है उसी से। अब कॉर्नफ्लोर डालते हैं 4 से 5 टेबल स्पून जितना। जिस चम्मच से अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है उसी चम्मच से कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे। इस तरह से आप भी चिकन फ्राई जरूर बनाकर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ, मुझे फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। कॉर्नफ्लोर के साथ आप चाहे तो 1 चम्मच मैदा या फिर बेसन का आटा भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही डाल रही हूँ। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मसलते हुए चिकन में लगाएंगे। इस चिकन फ्राई को आप तुरंत ही बना सकते हैं या फिर इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए भी रख सकते हैं। तो आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पर मैंने और भी चिकन की रेसिपीज, बिरयानीज, ग्रेवीज और डेजर्ट की रेसिपी भी डाली हुई है, उन्हें भी आप जरूर देख लें और ट्राई करें। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मसाला लगाकर अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसे तुरंत ही फ्राई करूंगी। तो कढ़ाई में तेल गर्म कर लेते हैं। पहले तेल अच्छी तरह गर्म करना है चिकन फ्राई करने के लिए, ये सबसे पहले जरूरी टिप है। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें। तेल अगर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो चिकन को पलटते समय मसाला जो है निकल जाएगा। तो तेल अच्छे से पहले गर्म कर लें, उसके बाद ही गैस की फ्लेम मीडियम करके चिकन के पीसेस को डालकर फ्राई करें। तो जितने कढ़ाई में आप डाल सकते हैं बस उतने ही पीसेस डालिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा भी एक ही बार में मत डालिए। अब पीसेस डाल लेने के बाद इन्हें तुरंत ही ना पलटें, बस एक साइड से ही अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, उसके बाद ही इन्हें पलटना है। और चिकन को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ऊपर से ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर चिकन जो है कच्चा रह जाएगा, इसलिए गैस की मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। आप चाहें तो चिकन फ्राई में थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं अच्छा कलर आने के लिए। इस चिकन फ्राई में बहुत ज़्यादा भी दही ना डालें, बस थोड़ी सी दही डालनी है। और अगर काला नमक आप नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपके पास अवेलेबल ना हो तो सफ़ेद नमक को थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। तो देखिए, कुछ ही मिनटों में चिकन जो है एक तरफ अच्छे से पक चुका है। अब इन्हें पलट लेते हैं। सिंपल से दाल चावल हो, रोटी सब्जी हो या फिर बिरयानी हो, ऐसे चिकन फ्राई के साथ खाने में और भी मज़ा आता है। तो इसी तरह आप भी चिकन फ्राई को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, दूसरी तरफ भी अभी चिकन अच्छी तरह पक चुका है। चिकन अच्छे से अंदर तक पका हुआ है या नहीं अगर चेक करना है तो चाकू की मदद से आप चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए है जिन्हें फ्राई करना नहीं आता है चिकन। तो एक बैच निकाल लेने के बाद अब बचा हुआ चिकन भी डालकर इसी तरह फ्राई करेंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और आप इसे जरूर बनाकर ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल के और भी बाकी सारी रेसिपीज हैं, उन्हें भी आप देखकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलिए, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार से और आसान से रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।